मुजफ्फरनगर में सोमवार को जिलाधिकारी कार्यालय पर छात्रों के द्वारा छात्र संघ चुनाव की मांग को लेकर जमकर प्रदर्शन किया गया, जिसमें मुजफ्फरनगर के आर्य समाज रोड स्थित डीएवी इंटर पीजी कॉलेज, चौधरी छोटूराम पीजी कॉलेज, एसडी डिग्री पीजी कॉलेज सहित कई कॉलेजों के छात्रों के द्वारा छात्र संघ चुनाव की मांग की गई। छात्र नेता विशु मलिक ने बताया कि 2018 के बाद से जनपद मुजफ्फरनगर में छात्र संघ चुनाव नहीं हुए। वहीं उत्तराखंड, हरियाणा और दिल्ली में भी छात्र संघ चुनाव हो चुके हैं, लेकिन जनपद मुजफ्फरनगर में छात्र संघ चुनाव न होने के कारण छात्रों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। विद्यालयों के कर्मचारी गण बच्चों का भविष्य खराब कर रहे हैं, दाखिलों में भी अनदेखी की जा रही है। उन्होंने कहा कि हमारी मांग है कि छात्रों की समस्या के चलते छात्र संघ चुनाव कराया जाए। डी कॉलेज, जाट कॉलेज, डीएवी कॉलेज के सभी छात्र इकट्ठा होकर छात्र संघ चुनाव की मांग करना है। पिछले 2018 से छात्र संघ चुनाव नहीं हुए यूपी में। हम लगातार कई वर्षों से छात्र संघ चुनाव की मांग कर रहे हैं, हमारी बात पर कोई सुनवाई नहीं हो रही। ऊपर से हमारे ऊपर जो लिंग दो समिति का नियम है वो लागू होने वाले हैं, क्योंकि हमारी सबकी लगातार चार साल हमें छात्र राजनीति करते हुए या तो लिंग दो समिति निरस्त करी जाए या छात्र संघ चुनाव कराए जाए। हमारी सरकार से ये अपील है, अगर इस बार छात्र संघ चुनाव नहीं होंगे तो हम अनिश्चितकालीन धरना रखेंगे। ये जाट कॉलेज, डीएवी कॉलेज, एचडी कॉलेज के सभी छात्र इकट्ठे होकर सभी ने छात्र संघ चुनाव का ज्ञापन दे दिया है। अगर जल्दी आपकी मांग पूरी नहीं होती, हमने इसमें एक महीने का समय मांगा है। एक महीने में अगर प्रशासन हमें जवाब नहीं देता, सरकार हमें जवाब नहीं देती, हम अनिश्चितकालीन धरना रखेंगे। हर न्यूज अपडेट के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक से ज्वाइन करें रॉयल बुलेटिन का व्हाट्सएप ग्रुप और पाएं हर खबर सबसे पहले अपने व्हाट्सएप पर। अपने आसपास की खबरों के लिए सब्सक्राइब करें रॉयल बुलेटिन और इस वीडियो पर कमेंट के जरिए अपनी राय देना ना भूलें।